find me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Welcome to Zanzibar. Zanzibar! Here we are. इतने सालों से ना मैं जानजीबार के पिक्चर्स देख रही थी कि यार, और सौरभ को बोला, सौरभ यहाँ तो पक्का जाएंगे, और जैसे ही आए, यू जस्ट लुक एट द सैंड. मैं हम लोगों ने इतने सारे ब्लैक सैंड बीचेस देखे हैं, बट ऐसा प्योर वाइट सैंड बीच कभी नहीं देखा. एंड दिस अमेजिंग कलर ऑफ वाटर. और हम अपने आप को यहाँ आए और बैग्स रखे, और मैंने कहा सौरभ लेट्स जस्ट चेंज हियर एंड देन जस्ट वॉक ऑन द बीच. में हम लोग रोक ही नहीं पाए और आ गए बीच पे वॉक करने के लिए. और पूरा स्ट्रेच है यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक. जस्ट वी आर वॉकिंग एंड आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन ड्रेस बिकॉज आई थॉट इट विल गो रियली नाइस एंड इट इज गोइंग. पिक्चर्स आर कमिंग अमेजिंग. सो ब्यूटिफुल इट इज जांजीबार. तो करते हैं हम पूरा बीच पे वॉक सौरभ और मैं. और तो बहुत थके हुए हैं. थके हुए हैं काफ़ी, बट वॉक करेंगे और फिर डिनर करेंगे. तो डिनर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है डिनर में, तो आपको डिनर भी दिखाएंगे, आपको हमारा जहाँ विला रुका है वो भी दिखाएंगे. बट दिस इज जांजीबार का सबसे ब्यूटीफुल बीच. तो ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और बहुत सारे फ्रूट के ऑप्शंस है. पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया, पैशन फ्रूट, बनाना. बट आपको पता है मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो? नहीं, कोई भी नहीं. बट मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती फ्रूट्स खिलाती थी, इसलिए मैं खा सकती हूँ. बट आई डो नॉट लाइक फ्रूट्स. अब आपको दिखाते हैं पूरा नीचे का एरिया, फिर आपको दिखाएंगे वो हमारा कासा. पहले नीचे का एरिया दिखाते हैं. तो ये है रेस्टोरेंट और यहाँ हम लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. दिस इज़ आर फेवरेट प्लेस. यहाँ बैठे और आराम से बाहर देखें. एंड वी हैव टू सी कि कितना हाइट हाइट आ चुका है. तो पानी बिल्कुल यहाँ तक आ गया और अंदर भी है था. और सबसे बेस्ट बात है ना, यहाँ का जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ रियली गुड. जो जो कपल है वो बहुत अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन का ध्यान रख रहा है. एवरीथिंग इज़ सो नाइस. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए पूरे उससे बनाया है, सीशल से इसका डेकोरेशन. और रेस्टोरेंट के बाद मैं दिखाती हूँ ये वाली टेबल एंड चेयर विच इज़ लाइक अ बोट शेप. अभी सब पैक इसलिए कर दिया क्योंकि थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर, इसलिए. और उस तरफ है स्विमिंग पूल जिसमें अभी मस्त क्लीनिंग चल रही है बिकॉज ऑफ द रेन. बट नाउ इफ यू सी द क्लाउड्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. यहाँ पर आपको फुटवेयर पहनना अलाउड नहीं है, सो इट्स नो फुटवेयर जोन. आपको इन सैंड पे पहनने की ज़रूरत भी नहीं है. वैसे मुझे तो ज़रूरत पड़ती है, मुझे बिना चप्पल के या बिना शूज़ के चलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है. बट नेवरदलेस यहाँ अलाउड नहीं है तो नहीं पहन रहे. बट आपको कहीं भी जाना हो तो ये ऐसा छोटा सा रखा हुआ है पॉन्ड टाइप्स, और इसके अंदर अपने पैर को ऐसे साफ करना है हर बार और फिर आगे चलना है. और हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर के एरिया में जहाँ पे बार एंड कैफ़े है. अभी बंद ही है ऑलमोस्ट, बट बैठ सकते हैं. सो दिस इज़ द बार एंड कैफ़े एरिया. और सब इसलिए पैक कर दिया है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रहा था, इसलिए सारी चीज़ें उधर 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 पैक हो गई हैं. बट हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है.
the stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. तो आपको दिखा रहे थे हम पूरा बाहर का एरिया, फिर सोचा कि यहाँ तक आ ही गए कैफ़े एंड बार एरिया में, तो फिर वाई नॉट जस्ट हैव कॉफ़ी. सौरभ कॉफ़ी ले रहा है, मैंने डीकैफ मंगाई है. तो जो यहाँ पे बंदा है उसे समझ नहीं आ रहा है डीकैफ, ओनर को ही पता है डीकैफ. और यू हैव टू लुक एट दिस बिस्किट, हार्ट शेप बिस्किट. लेट मी हैव, मेरा डीकैफ तो नहीं आ रहा है, मैं यही खा लेती हूँ. इट्स नाइस और मस्त हवा चल रही है और हाई टाइड बहुत ज़्यादा हो गया है. वेलकम टू आवर विला इन ज़ांज़ीबार. तो आपको देती हूँ मैं इस विला का, जहाँ हम रुके हैं उसका टूर, एंड यू आर गोइंग टू लव इट. बाहर से तो मैंने दिखाई दिया है, अब बारी है अंदर से. तो अंदर से है ये हमारा लिविंग स्पेस, और ये वीडियो बना रही हूँ मैं थोड़ा बाद में, बड़े से मैं पहले लगा दूंगी, तो इसलिए मैं आपको बता ही पाऊंगी कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग इट सो मच, आराम से बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं. और रील बनाया है एक्चुअली यहाँ पे एक बैठकर हम लोगों ने, और ऐसे ही कॉफ़ी भी पी रहे थे. और ये है एक लिविंग स्पेस बाहर. अच्छा शॉट देती हूँ मैं फिर से, आई विल गिव अ गुड शॉट ऑफ मी ओपनिंग एंड द ब्यूटिफुल शॉट हियर. तो ये है हमारी बालकनी, और आपको दिखाना पड़ेगा पहले है ना हमारी जो बालकनी का स्टॉपर है, दैट इज़ दिस शेल, ह्यूज शेल. और फिर है ये बालकनी, और ये अभी पूरा खोल सकते हैं एक्चुअली में, तो ये खुल जाता है और उसके यहाँ से खुलता है शायद, बट या यहाँ से खुल जाता है. बट अभी बारिश हो रही है तो उसको खोला नहीं है. बट उसी के जस्ट सामने है इंडियन ओशन, और अभी लो टाइड है इसलिए पानी पूरा पीछे है, पूल है, एंड यहाँ आराम से बैठ के मॉर्निंग में कॉफ़ी पी सकते हैं. तो हम लोगों ने, मैं तो कॉफ़ी पी नहीं, बट सौरभ ने बैठ के आराम से यहाँ कॉफ़ी पी, एंड इट्स अ लवली बालकनी जस्ट एट द लुकिंग एट द व्यू ऑफ इंडियन ओशन और पूरे ये कोकोनट के ट्रीज, अमेजिंग इट इज़. और ये वाले बोगनविला के फ्लावर्स, दिस इज़ हाउ यू कैन डेकोरेट इन इंडिया इज़ वेल. इतने सारे मिलते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. एंड दिस इज़ आर बेड, दिस इज़ आर बेड. सो ह्यूज बेड विथ मॉस्किटो नेट्स, ऑफकोर्स ज़रूरत है, अभी भी हम तंजानिया में ही हैं. वैसे मॉस्किटोज़ हैं नहीं इतने जितना डरा के रखा है एक्चुअली में. इससे ज़्यादा तो मुझे इंडिया में मॉस्किटो काट जाते जब मैं इंडिया में जाती हूँ इस बार हम लोग. बट इंडिया में हम लोग इतना प्रोटेक्ट भी नहीं करते अपने आप को, यहाँ पर हमने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा तो मॉस्किटोज़ तो नहीं काटे. और ये जो दोनों यहाँ पर लगे ये हमारे बीच टावल्स हैं, तो यहाँ से बस बीच इतना पास है तो आराम से बीच में डुबकी लगाइए, बीच टावल लेकर. और दिस इज़ अ सिटिंग स्पेस विच आई लाइक. और ये साइड टेबल भी देखिए आपने, दिस साइड टेबल एक्चुअली यहाँ का जो ओनर है इज अ कपल, एंड वो लोग एक ईरानियन कपल है. आई एम नॉट 100% श्योर, बट मोस्टली दे आर एन ईरानियन कपल, तो इसलिए आपको थोड़ा फील भी आएगा थोड़ा ईरानी टाइप का, मिडल ईस्ट टाइप का. सो और फिर ये है हमारा चेंजिंग रूम टाइप, जिसमें बहुत सारे हमारे पास कबर्ड्स हैं, सिटिंग प्लेस है, एंड अ फुल मिरर which is the most important thing. Jumbo, Jumbo Sana, re. इतनी बड़ी गाना सुन लेना कि इतनी बड़ी गाना सुन लेना कि सिर्फ आप दिमाग में यही गाना चलता है और फिर उसके ऐसे डांस करते ही रहते. सो तो तब से हम लोग ने एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया यही चीज़ कर रहे हैं. एंड ऑफकोर्स लॉट ऑफ विंडोज, एंड देन वी हैव गॉट दिस प्लेस विच लुक्स लाइक हम ना ना हमाम में आ गए, टर्किश हमाम. बट हो सकता है ईरान तो हम कभी गए नहीं, ईरान के बाथरूम्स भी ऐसे ही होते हो. तो दिस इज़ आर बाथरूम, लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड वी हैव गॉट टू वॉश बेसिन्स हियर. सो या दिस इज़ आर बंगलो और वॉट एवर कासा इन कासा पैराडाइज, एंड वी रियली लव्ड इट. तो अगर आप ज़ांज़ीबार आते हैं तो और हम सजेस्ट करेंगे कि ईस्टर्न साइड में रहिए. वैसे तो मोस्टली लोग नॉर्दर्न साइड में रहते हैं सारे टूरिस्ट, बट उसमें क्या होता है सारे के सारे टूरिस्ट वहीं हैं तो भीड़ उधर है. इधर बिल्कुल काम बीच है, आपके लिए पर्सनल बीच मिलेगा आपको, और कोई आपको आके परेशान भी नहीं करेगा. एंड बीच और सैंड तो वही है, बहुत सुंदर पानी है, वाइट सैंड है पाउडर वाला, सो यू कैन स्टे
ऑन द ईस्टर्न साइड. बारिश तो रुक ही नहीं रही है ज़ांज़ीबार में. हम लोग बैठे हुए दो घंटे से. सिर्फ 30% का फोरकास्ट था. 30% होगी 10 बजे 15 मिनट के लिए, मगर अभी बज गए हैं 12:15. दो घंटे से ऊपर हो गया है और बहुत तेज बारिश हुई. सो अभी भी चल रही है, बट अभी शायद ना एक घंटे के अंदर बंद जाएगी. मैंने वापस चेक किया, एक घंटे के अंदर बंद जाएगी. हम लोग रेडी हैं. जैसे बंद होगी. प्लान क्या है वैसे आज का? कोई प्लान यही है कि कोई प्लान नहीं है. सोचा था बस बीच पे जाएंगे और वो हम शूज़ लाए स्पेसिफिक, वो शूज़ लेके बीच पे जाएंगे और थोड़ा आगे आगे तक जाएंगे क्योंकि लो टाइड में पानी पूरा उधर चला गया ना. तो हम सोचा थोड़ा और आगे आगे तक देख के आएंगे कि आखिर वहाँ पे लोग हैं ना वो सी वीड्स शायद निकालते हैं. तो मैं सोचा इन लोगों को देखेंगे क्या सी वीड्स निकाल रहे हैं. तो पानी अब तो वापस हाई टाइड होने का टाइम आ गया क्योंकि 2 बजे तो आज बहुत ज़्यादा हाई टाइड है. तो फुल मून था तो पूरा आगे तक पानी आ जाएगा. बट प्लान यही था कि कोई प्लान ही था. और लंच करते शायद, पता नहीं. अगर वॉक करते तो थकते. हाँ थकते तो देखते. अभी तो घर पे ही बैठे हैं, बाहर जा ही नहीं सकते. तो कोई प्लान नहीं है. बारिश को एंजॉय कर, जैसे ही बारिश बंद होती है हाँ बैठे रिलैक्स कर रहे हैं. जैसे बारिश बंद होती है वैसे ही निकल जाएंगे बाहर वॉक करने. हम लोग क्या बनी टाइप्स है सौरभ? जो वी आर नॉट बनी, बट हाँ ये है कि हम कुछ कुछ डेज वी लुक लाइक वी आर बनी सम डेज एंड सम डेज मेबी वी आर नॉट. लाइक टुडे वी आर लाइक ओके जस्ट रिलैक्स. हाँ एटलीस्ट हम लोग वो नहीं है जो रिसॉर्ट में या होटल में बैठ के बस उसी को एंजॉय करें. वो मतलब पूल में भी ऐसा नहीं कि दिन में पूल में बैठे हुए. एक्सट्रीम नहीं है. हम ऐसे भी नहीं है कि हमको हर पॉइंट को कवर करना है. और हम ऐसे भी नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना है. हमें कुछ भी नहीं करना है. हम सिर्फ पूल पे बैठ के एंजॉय. हम दोनों तरफ नहीं है, हम बीच के. हम पूल पे बैठ के भी एंजॉय थोड़ा थोड़ा करना चाहेंगे और हम हर पॉइंट ना भी कवर करें ना तो वी आर फाइन विद इट. सो वी वॉन्ट टू कीप इट बैलेंस. तो होना चाहिए एक्टिविटी. हाँ दिन भर तो घर में बैठ के मोबाइल पे नहीं लगे रह सकते क्योंकि अभी कुछ भी करने को नहीं है. तो मोबाइल पे कितनी देर तक देखें? होपफुली बारिश जल्दी बंद हो जाएगी. हाँ. और कलर्स बीच बीच में जब सन आता है तो इतने अच्छे आ रहे हैं. अच्छे कलर आते हैं इंडियन ओशन के. अच्छे कलर आते हैं ना कि आई होप आप लोगों को भी दिख रहे हो कैमरे में. हाँ पता है दिख पा रहे. मी टू गाइस वेरी सून. यस सी यू. नमस्ते. हकुना मताता. हकुना मताता. जंबो जंबो. जंबो जंबो. तो आपको हमारा कासा दिखा दिया है, आपको ये एरिया भी दिखा दिया है. एंड नाउ टाइम टू शो यू द बीच. तो ये है एंट्रेंस विच इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल. लाइक इफ आई जस्ट गिव अ पोज लाइक दिस एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. एंड यहाँ से जस्ट एंट जाएंगे नीचे तो आ जाएगा हमारा बीच. अभी ना जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना तब बिल्कुल प्लेन था और ये सी वीड्स भी नहीं थे, इतना क्लीन था. अभी बहुत ज़्यादा लो टाइड हो गया था इसलिए आ गया. एंड यू नो वॉट इज़ दिस? क्योंकि यहाँ इतना हाई टाइड लो टाइड होता है तो दिस आर कॉल्ड वाटर शूज़. तो इसको पहन के जाएंगे. सौरभ ने भी पहने हैं. आई विल ऑल्सो वेयर वन. तो इसको पहन के वॉक करेंगे तो कुछ भी नहीं चुभेगा. इसको पहन के अंदर पानी में भी वॉक कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. ऑल सेट टू गो. बारिश जा चुकी है और अब हम जा रहे हैं ऐसे ही वॉक कर रहे हैं. दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो यहाँ पे बीच टावर ला के बैठ जाएं या थोड़ा वॉक करें. तो अभी सोच रहे थोड़ा वॉक करके पाजे करके बीच है PAJE, वहाँ जा सकते हैं. तो वहाँ चलते हैं वॉक करके. थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा क्योंकि खाना बहुत ब्रेकफास्ट किया है. वैसे तो अब ऑलमोस्ट 1:15 हो गया है तो ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो चुका है. लंच हम करेंगे नहीं, स्किप करेंगे और डायरेक्ट डिनर पर जाएंगे. सो लेट्स वॉक. Are you enjoying the beautiful colors and me with orange contrasting it? अभी तो हमने वॉक करना शुरू ही किया था और पानी यहाँ तक आने लग गया है. पहले वहाँ था पानी. अब यू सी द फर्स्ट वेव हैज कम अप टिल हियर और ये सारी जितनी भी वीड्स हैं सब जाएंगी अंदर. चेंज क्योंकि
बादल आ गए हैं फिर से और उतनी दूर पहुंच नहीं पाएंगे, तो बेटर है टर्न करके अपने कासा में चले। नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। और हाई टाइड भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बैठ जाते हैं और कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। लेट्स डू नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक सारे। बारिश तो इतनी तेज हो गई है और अंदर आई गए हम ऑलमोस्ट, बट ये कोकोनट ट्रीज देखिए ऑरेंज कलर के और बीच का पानी भी बिल्कुल आगे ही आगे आता जा रहा है, सो बेटर टू गो इनसाइड। तो बारिश तो इतनी जोर से हो रही है, इतनी जोर से हो रही है कि बस बैठ गए यहाँ पे। मतलब इतना रिलैक्स नहीं सोचा था हमने। हाँ कि आज आज पूरा रिलैक्स ही हो रहा है। निकले थे 1 किलोमीटर भी आगे नहीं आए होंगे। हाँ, और बारिश वापस आ गई, पूरे बादल क्लियर थे, अचानक काले बादल आए। दो से लेके 4 के बीच से बहुत हाई टाइड है, तो अगर बारिश बंद नहीं हुई उससे पहले तो वी आर स्टक। बट कैन यू सी समथिंग इन द फ्रेम? कोकोनट, येलो कोकोनट पके पके पूरे। हम लोग पास के कैफे में बैठे हुए हैं। हाँ, मसाला चाय पी रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने कुछ तो भी ऑर्डर कर दिया, पाइन एप्पल कोकोनट मिल्क का कुछ तो है। बहुत रिलैक्स हो जा रहा है हमारा। हाँ, ठीक, दैट्स व्हाट वी आर आल्सो लाइकिंग, क्योंकि हमारा हॉलिडे चल रहा है, सफारी ट्रिप के बाद थक गए थे बहुत। रोज सुबह सुबह उठे थे, बट आज भी ना सुबह उठ गए। आई थॉट कि मैं सुबह उठूंगा और सनराइज का शूट करूंगा, मगर बादल थे। मैंने किसी से 5 o'clock पे उठ के बाद में कर रहा था। Exactly, let's do like that. And I'm like, इसको सुबह 5 o'clock पे किसको इतना इंस्ट्रक्शन देना है? बट ठीक है, फिर मेरा भी नींद खुल गया, सो हम 5 o'clock से उठे हुए हैं और सोचा था आराम से, अब क्या मुझे मैं 10 o'clock तक सोऊंगी। कभी कभी हो पाता है ऐसे दिन की 10 o'clock तक सो। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था 10 o'clock तक सो। कभी सोते भी नहीं शायद, अब तो याद ही नहीं आ रहा मुझे कि कभी हम लोग सोए हो अभी कुछ सालों में। जब छोटे थे ना तब सो पाते थे शायद, जैसे इसलिए मम्मी पापा लोग नहीं सोते थे, क्योंकि शायद बड़े होते होते तक ना ऐसा हो जाता है कि आप सोते ही नहीं हो। I can't imagine कि मैं सो रहा हूं 10 o'clock तक। मैं चाहती हूं, like nobody is there to tell me कि you can't sleep, but still you can't sleep. तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं ना, नींद 10 बजे तक सो ही नहीं पाते। बूढ़े ये वर्ड मुझे सुनाई नहीं दिया। Anyways, बैठे हुए हम लोग और करते हैं ड्रिंक का एंजॉय और वेट करते हैं बारिश को बंद, जैसे बारिश बंद होगी वैसे भाग लेंगे टुवर्ड्स अवर होटल। एटलीस्ट वहाँ जाके बैठेंगे तो कुछ और चिल करेंगे। हाँ, उधर ड्रिंक्स के ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि और अगर जा पाए तो यहाँ से, नहीं जा पाए तो कहाँ पर क्या करेंगे पता नहीं, पीछे चलेंगे ना पीछे से। बट इन दीज शूज मेगा, इन द बीच शूज, चप्पल लाए अब मैंने नहीं, हमारे ओनर ने, हमारे ओनर ने बोला था कि अगर आप जाओ तो ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है हाई टाइड, सो ऑल्सो कीप अ वॉकिंग शूज और चप्पल इन योर बैग। तो मेरे पास वॉकिंग स्लीपर्स है, तो देखते विल यू विल फाइंड आउट विद अस। अब तो मैं पीता हूँ मसाला चाय। तो इतनी बारिश हो रही है आपको बताया, और हम सोचे यार हमने तो वेदर पे चेक किया था, तो देखिए वेदर पे तो अभी भी बोल रहा है सनी 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 सनी, और हमें जाम्बियानी रीजन में तो 28 degrees सनी के साथ, और बारिश देखिए ऐसे बारिश हो रही है तूफान वाली, शायद अब बंद हो जाए। सौरभ की मसाला चाय और मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Because of coconut milk? Yeah, it's fine, I can. Pineapple with coconut milk and masala chai and the view. And the view and the rains. So done with our juice and masala chai, और बादल भी चले गए, but पानी देख रहे हैं आप पूरा आगे तक आ गया, इससे पहले कि और आ गया और हम क्रॉस नहीं कर पाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे, यहीं से चलते हैं और लेके चलते हैं आपको भी हाई टाइड लो टाइड के मज़े दिलाने। इश्क तेरा मेरा पाकीज़ादा।
वन वेव एट अ टाइम, एक एक लहरों से हम टकराते हुए आगे जा रहे हैं, पूरे गीले होते हुए दो। It's funny and it's fun and little bit of adventurous as well, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती हमें, तो अगर खींच के ले गई वेव या ये वेव्स अभी हाई टाइड में यहाँ तक आने लगी तो फिर दिक्कत, फंस जाएंगे इसके ऊपर, हमको चढ़ना पड़ेगा and then we will shout help help और फिर हम ऊपर चढ़ जाएंगे। ये ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एग्जिट बने हुए हैं। हाँ, तो यहाँ से अंदर चले जाएंगे। हाँ, so ये एग्जिट बने हैं, you can go in a village। वो तो हम थोड़ा सा टाइम सेव कर रहे हैं और हम अपने शूज का यूज कर रहे हैं। Meghan, sorry, being small, little bit of adventure, doing adventure. High tide आई जा रही है। Too high tide. यहाँ तक अगर पानी आ गया तो रिस्की है, मुझे लगता नहीं है यहाँ तक आएगा, but आज full moon day है। So it can, but अभी यहाँ यहाँ है। उधर तो पूरा आई चुका है वहां तक। पीछे रास्ता बंद होने वाला है 5 मिनट में। ये थोड़ा सा ओपन स्पेस है, हाइट पर है। Let's see if we can reach. बट कपड़ों में पानी घुस चुका है, रेत घुस चुका है मेरे ऑलरेडी अंदर। मुझे लगता है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। Oh yes. Let's see if we can. वो ही अभी एक आखिरी हमारा बचा हुआ है। I don't think कि हम लोग यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। Let's give it a try, Megha. No, we are not giving it a try. We'll go from here. Yes. एक बार दिखाते हैं आपको पास से कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं आगे। And ये रेन वापस लेके जा रही है अपने साथ ना? हाँ। पूरे गीले हो गए नीचे से अब मेरा ड्रेस। और आगे हम विलेज साइड में आ गए, तो उधर बीच था, यहाँ विलेज है। और आपको कंट्रास्ट भी दिखेगा कि वहाँ पे इतना सुंदर विलेज, इतने सुंदर कासा, और यहाँ पे लोकल पीपल लोग रहते हैं, तो नॉर्मल घर दिखेंगे। लेट्स गो फ्रॉम हियर। यस, वी कैन गो फ्रॉम हियर। मेगा, ये मेन स्ट्रीट से हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था, गूगल पे है ही नहीं। I don't think we can still go. क्योंकि सी इज स्टिल बहुत तेज है पानी। नहीं, चले जाएंगे। Let's go, let's try, come. जल्दी चलो। आगे चलो। नहीं चढ़ पा रहे हम लोग क्योंकि सीढ़ी पर ही पानी आ गया है और इतना तेज है। Can you see that guy standing? हमें वहां जाना है मगर नहीं। जाम वो। तो पहुंच गए हम हमारे कासा, सेफ एंड साउंड। हेलो जम्बो, हेलो। लेट मी शो यू कि पानी अब कहाँ आ गया है। तो पहुंच गए हैं और देखिए वहाँ इतना तेज आ चुका है पानी। अब जब गए थे तब आपने देखा था कि हम लोग कितने आसानी से बीच में वॉक कर रहे थे, यहाँ यहाँ तक पानी आ रहा है। और ये हमारी स्टेयर्स है, स्टेयर्स तक ऑलमोस्ट पानी आ चुका है इधर भी, यू सी। तो पॉसिबल ही नहीं था। और बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर। हाँ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स है और सैंड भी जाता है वापस। बारिश हो गई फिर हम फंस गए हाई टाइड में। आज का हमारा रिलैक्सिंग डे की जगह, आज का हमने प्लान किया था हम रिलैक्सिंग डे करेंगे, बट हमारा रिलैक्सिंग डे कम और फन और एडवेंचर डे ज्यादा हो गया। पहले बारिश होता रहा तो शायद तब थोड़ा रिलैक्स कर लिया, और अब हमारा फन एंड एडवेंचर हो गया विद हाई टाइड लोड। उधर उत्तर अभी तक आगे नहीं आया, बट अपने यहाँ तो बहुत आ गया। ओह यस, सी। तो ये है जांजीबार आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा? ये हमारा पहला ही वीडियो है, बट यहाँ से शुरू होती है जांजीबार की ट्रैवल सीरीज। और आप लोग बताइएगा कि हमारा ये जो रिसोर्ट, जो बुटीक होटल था कासा पैराडाइज,
वो कैसा लगा आप लोगों को? था ने पैराडाइज की तरह या नहीं? बिल्कुल ही था। और ये जो हमारा जांजीबार का सीरीज होने वाला है वो सफारी वाले तंजानिया सीरीज से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम करेंगे काफ़ी रिलैक्स, खाएंगे बहुत सारा खाना और इन्जॉय करेंगे ये अमेजिंग व्यू। बहुत ही अच्छा वाटर कलर है इंडियन ओशन का। साथ में हम लोग कुछ साइट सीइंग भी करेंगे, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप लोग वो वीडियो में देखते रहिए आगे। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा सबसे बूढ़ा टॉर्टोइस, ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस से मिलने जाएंगे, तो आप चलिएगा हमारे साथ। बट वो सब आपको मिलेगा हमारी अगले वीडियो में। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक का भी देसी कपल ऑन द गो है। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड कीप एंजॉयिंग आवर ज़ांज़ीबार ट्रैवल सीरीज। You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday.